नमस्कार, मैं हूँ दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 अक्टूबर दिन शुक्रवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। निबंधन विभाग की सेवाएं अब हुई ऑनलाइन। जानें कौन सी सुविधा का आप ऑनलाइन उठा सकते हैं फायदा। जानें क्या है विभाग की वेबसाइट का ऑनलाइन पता। नवरात्रि के पहले दिन धूमधाम से हुई मां शैलपुत्री की पूजा। नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। आज होगी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। स्मार्ट मीटर प्रीपेड रणनीति को लेकर हुआ बदलाव। ग्रामीण क्षेत्रों में जबरन नहीं लगेगी स्मार्ट मीटर। इससे संबंधित भ्रांतियों को अधिकारी करेंगे दूर। किसानों को बीज से लेकर बाजार तक की सुविधा देगी सरकार। अच्छे बीज का अब किसान करेंगे इस्तेमाल। पटना समेत 21 जिले हुए चिन्हित। इस बार पितृपक्ष मेला में रिकॉर्ड तोड़ पहुंचे श्रद्धालु। 22 लाख तीर्थयात्रियों में 25 विदेशी श्रद्धालु भी रहे शामिल। शहर में करीब 20 करोड़ का हुआ कारोबार। क्या त्योहारों में कंफर्म टिकट पाना हो रहा मुश्किल। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू की नई स्कीम। ATS का विकल्प चुनकर पा सकते हैं कंफर्म टिकट। कैप्टन कूल कहे जाने वाले धोनी कब हुए थे हाइपर। हरभजन सिंह ने किया खुलासा। माही ने गुस्से में टीवी स्क्रीन पर मारा था मुक्का। चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी समेत कई पदों पर हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड ने भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत 212 पद भरे जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट hurl.net.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। निबंधन विभाग की सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई गई हैं। किसी भी तरह की जानकारी या काम के लिए आप eNibandhan.bihar.gov.in पर जा सकते हैं, जहां आपको दस्तावेज के निबंधन का आवेदन, स्टाम्प व निबंधन शुल्क की गणना, विवाह के निबंधन का आवेदन, संपत्ति के न्यूनतम मूल्य की जानकारी, ऋण अवभार प्रमाण पत्र, सोसाइटी का निबंधन, फार्म का निबंधन आदि की सुविधा मिलेगी। हालांकि सिर्फ आधार, KYC, फोटो, बायोमेट्रिक व इकरार के लिए कार्यालय जाना होगा। नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं ने शुभ मुहूर्त में अपने अपने घरों में कलश स्थापना कर मां शक्ति की विशेष आराधना कर सुख समृद्धि की कामना की। नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही सुबह से ही देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का काफी भीड़ देखने को मिला। भक्तों ने माता की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की है। आज नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करके तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की कामना करेंगे। दुर्गा पूजा को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखा जा सकता है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे स्वाति वर्मा की। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1994 में बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। इन्होंने तनु वेड्स मनु रिटर्न का प्रसिद्ध गाना बन्नो तेरा स्वैगर गाया था। वर्ष 2017 में वो आईफिल टावर पेरिस में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय गायिका बनी थी। इसके अलावा स्वाति दुआओं में याद रखना, नींबू सा इश्क, टूटे तारे, हम सफर जैसे कई प्रसिद्ध गाने गा चुकी हैं। इन्होंने अपने सराहनीय कार्य के लिए कई पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं, जिसमें मिर्ची म्यूजिक पुरस्कार, रेडियो मिर्ची डिस्क पुरस्कार आदि शामिल हैं। गया में 17 सितंबर से 3 अक्टूबर 2024 तक चलने वाले पितृपक्ष मेला इस बार रिकॉर्ड तोड़ संख्या में 22 लाख तीर्थयात्रियों को पहुंचे, जिनमें 25 विदेशी श्रद्धालु भी शामिल थे। जिला प्रशासन के अनुसार इस भीड़ के कारण शहर में लगभग 20 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है, जिसमें स्थानीय पंडितों, होटलों, टैक्सी और पूजा सामग्री विक्रेताओं को लाभ हुआ है। गया के होटल पूरी तरह से भरे रहे और टेंट सिटी में 1.5 लाख यात्री ठहरे थे। बर्तन विक्रेताओं ने भी अच्छी बिक्री की, जिसमें पूजा सामग्री की मांग भी बढ़ी। प्रशासन ने यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए अनेक विभागों से सहयोग किया, ताकि उन्हें कोई असुविधा ना हो। किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों को बीज से लेकर बाजार तक की सुविधा सरकार उपलब्ध करवाएगी। अच्छे बीज के इस्तेमाल से फसलों की उत्पादकता में 20% तक की बढ़ोतरी होगी। इस साल रबी मौसम में संकर बीज का उत्पादन शुरू होगा।
पटना के साथ 21 जिलों को प्रदेश में गेहूं के 3.5 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए चिन्हित किया गया है। कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों को 14,750 क्विंटल गेहूं के आधार बीज मुफ्त दिए जाएंगे। आपको बता दें कि कृषि मंत्री ने ये बातें राज्य में प्रमाणित गेहूं बीज उत्पादन पर आयोजित कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कही है। बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है और जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। बाढ़ सुरक्षा में लगे कर्मी और अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। गुरुवार को कोसी बैराज का जलस्तर 12 बजे तक 1,46,620 क्यूसेक दर्ज किया गया। प्रभावित क्षेत्रों में सुपौल, किशनगंज, सरायगढ़, निर्मली और मरौना के लगभग 1,30,000 लोग शामिल हैं। कई घर कोसी की तेज धारा में बह गए, जिससे लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि तटबंध को सुरक्षित रखने के लिए इंजीनियरों को तैनात किया गया है और राहत सामग्री जैसे भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाएं पीड़ितों को प्रदान की जा रही हैं। आज 3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। त्योहारों में घर लौटने के लिए ट्रेनों में कंफर्म टिकट पाना मुश्किल होता है, इसलिए भारतीय रेलवे ने एक नई योजना, विकल्प योजना या अल्टरनेट ट्रेन एकोमोडेशन स्कीम यानी कि ATS शुरू किया है। इस योजना के तहत यदि आपकी पसंदीदा ट्रेन में कंफर्म टिकट आपको नहीं मिला है तो आप ATS का विकल्प चुनकर दूसरी ट्रेनों की सीट्स देख सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग करते समय आपको ये विकल्प आपके सामने मिलेगा, जिसमें आप एक साथ 7 ट्रेनों का चयन कर सकते हैं। ये योजना यात्रियों को अधिक सुविधा और विकल्प प्रदान करती है। बिजली कंपनी ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की रणनीति में बदलाव किया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जबरन मीटर नहीं लगाए जाएंगे। यदि किसी इलाके में मीटर लगाने का विरोध होता है तो कंपनी के अधिकारी वहां जाकर भ्रांतियों को दूर करेंगे। ग्रामीणों की सुविधा के लिए मीटर रीडर घर घर जाकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर को रिचार्ज करेंगे, खासकर बुजुर्गों के जो स्मार्टफोन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा सभी पंचायतों में भी रिचार्ज की व्यवस्था की गई है। हालांकि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की गति थोड़ी धीमी हो गई है। पिछले कुछ दिनों में औसतन 4,000 मीटर लगाने के बजाय अब ये संख्या 2,000 से 3,000 के बीच है। बिहार के 4 विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा हिंदी और मैथिली में इंजीनियरिंग, MBBS, कानून, कृषि और विज्ञान विषयों पर 50 से अधिक किताबें लिखी जाएंगी। ये पहल UGC और चतुर्वेदी कृष्ण शास्त्री की अध्यक्षता वाली भारतीय भाषा समिति के तहत चल रही है, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम के अनुसार किताबों का लेखन और अनुवाद करना है। JP विश्वविद्यालय, KSDS विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय और LNMU के कुलपतियों को इस कार्य में शामिल किया गया है। बिहार को तकनीकी विषयों की किताबें तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। मैथिली में भी गणित और विज्ञान की किताबें लिखी जा रही हैं, जिससे छात्र अपनी मूल भाषा में अध्ययन कर सके। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व JP विश्वविद्यालय के कुलपति परमेंद्र कुमार वाजपेयी कर रहे हैं। बिहार के ITI संस्थानों को टाटा टेक अपग्रेड करेगा, जिससे राज्य के 149 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को नई तकनीकों से सुसज्जित किया जाएगा। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रेस वार्ता में ये बताया है कि इसके लिए टाटा टेक 4,606 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें पश्चिम चंपारण क्षेत्र के 9 ITI भी शामिल हैं। रक्सौल में 1 ITI का शिलान्यास भी किया गया। उन्होंने कहा कि टाटा टेक प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं को आधुनिक तकनीक से बेहतरीन प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिससे छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। साथ ही डॉक्टर जायसवाल ने चंपारण में तटबंध के टूटने की घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की, साथ ही इस घटना को उन्होंने संदिग्ध बताया। बिहार की राजधानी पटना में जल्द ही मेट्रो सेवा की शुरुआत होने जा रही है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी PMRC के अनुसार मेट्रो का परिचालन 2025 के जुलाई महीने तक शुरू होगा। इससे पटना उन शहरों में शामिल हो जाएगा जिनके पास मेट्रो सिस्टम है। पहले चरण में 26 स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जो मलाही पकड़ी से न्यू ISBT तक होंगे। बाद में ये तख्त हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे और पटना एयरपोर्ट को भी जोड़ेगा। बिहटा एयरपोर्ट से भी मेट्रो को जोड़ने की योजना है। ये परियोजना लोगों के आवागमन को सुविधाजनक बनाएगी और जाम से राहत दिलाएगी। अब मेट्रो की शुरुआत में केवल 10 महीने बचे हैं।
राज्य के सभी जिलों में जल्द ही स्मार्ट सिटी वाले शहरों की तर्ज पर अत्याधुनिक कैमरे और सॉफ्टवेयर की मदद से ऑटोमेटिक ई चालान कटेगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने एजेंसी की खोज शुरू कर दी है। इन कैमरों को जिला मुख्यालय वाले शहरों में चिन्हित प्रमुख चौराहे, व्यस्तम सड़क और ब्लैक स्पॉट पर लगाया जाएगा। इसमें हेलमेट और सीट बेल्ट के अलावे ओवर स्पीड, ओवरलोड और गलत लेन में ड्राइव करने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की जा सकेगी। ये सिस्टम यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने में मदद करेगा और सड़क सुरक्षा पर सुधार करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर आधारित नए फीचर्स YouTube अपने प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं के लिए जोड़ने की तैयारी कर रहा है। नए AI फीचर के तहत क्रिएटर्स अपने शॉर्ट्स के जिस के लिए बैकग्राउंड बनाने और 6 सेकंड लंबे वर्टिकल वीडियो बनाने की सुविधा प्राप्त करेंगे। ये सुविधा गूगल की डीप माइंड द्वारा विकसित AI मॉडल व्यू का उपयोग करती है। इसके अतिरिक्त यूट्यूब ऑटोमेटिक डबिंग फीचर भी लॉन्च कर रहा है, जो वीडियो की आवाज़ को विभिन्न भाषाओं में डब करेगा। कंपनी इस फीचर का परीक्षण कर रही है और इसे जल्द ही सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। AI क्रिएटर्स को वीडियो के आइडिया, शीर्षक, थंबनेल चुनने और बड़े पैमाने पर कमेंट्स का जवाब देने में भी मदद करेंगे। राज्य के 5 जिलों में स्वास्थ्य विभाग टेली ICU की स्थापना करने वाला है। इसकी स्थापना प्रदेश के 5 जिलों में होगी। इसकी तैयारी विभाग कर रहा है। इसके लिए 3 महीने पहले ही स्वीकृति मिली थी। विभाग की योजना के तहत नेशनल एजेंसी के जरिए सीमावर्ती जिले पूर्वी चंपारण, सुपौल, बांका और नवादा में टेली ICU की स्थापना होगी। कम से कम 10 बेड सभी ICU में होंगे। इसके अलावा यहाँ कई आधुनिक जीवन रक्षक उपकरण भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे समय रहते गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सके। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई इस योजना को आगे सभी जिलों में विस्तार मिलेगा। आपको बता दें कि मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना को इन 5 जिलों में ICU टेली ICU की मॉनिटरिंग सौंपने पर विचार किया जा रहा है। बिहार में बाढ़ की समस्या के बीच एक और पुल ध्वस्त होने का मामला सामने आया है। दरअसल बीते गुरुवार को भागलपुर में एक पुराना पुल गंगा के तेज बहाव को सहन नहीं कर पाया और बहकर गंगा में समा गया। भागलपुर के चौखंडी पुल के ध्वस्त होने से दर्जनों गांव के संपर्क टूट गए। साथ ही इन गांवों का प्रखंड और जिला मुख्यालय से भी संपर्क टूट गया है। अभी हाल में ही पुल टूटने के मामले पर काफी सियासत देखने को मिल रही थी। लगातार नेता प्रतिपक्ष प्रदेश सरकार पर आरोप भी लगा रहे थे। बिहार के मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड के लक्ष्मीपुर चंडी स्थान में एक आश्चर्यजनक खोज हुई है। बता दें कि पंचायत, सरकार भवन और नवरात्र मेले के मंच निर्माण के लिए जेसीबी मशीन से खुदाई के दौरान प्राचीन शिव मंदिर और शिवलिंग के अवशेष पाए गए हैं। इस घटना की जानकारी पूरे इलाके में तेजी से फैल गई और इसके बाद यहां तुरंत स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और लोगों ने पूजा अर्चना शुरू कर दी। लोगों का मानना है कि यह स्थान प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल रहा होगा। बिहार प्रशासनिक सेवा के 13 अधिकारियों को चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना प्रेक्षक नियुक्त किया है। इन अधिकारियों को 6 अक्टूबर तक अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में पहुंचने का निर्देश दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने संबंधित अधिकारियों को जानकारी भेजी है। जिन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है उनमें जहानाबाद के बंदोबस्त पदाधिकारी उपेंद्र प्रसाद, तकनीकी सेवा आयोग में संयुक्त सचिव अमित कुमार, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग में मुमताज आलम और अन्य कई शामिल हैं। ये नियुक्ति चुनाव प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए की गई है, ताकि चुनाव के दौरान सभी गतिविधियों का उचित निरीक्षण किया जा सके। दरभंगा एम्स के लिए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को 188 एकड़ भूमि सौंप दी है। जमीन मिलने के बाद इस परियोजना के निर्माण का जिम्मा NBCC लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी HSCC इंडिया लिमिटेड को केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। साथ ही दरभंगा एम्स के लिए 1261 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया गया है। जिस कंपनी को यह जिम्मेदारी मिली है उसने बताया है कि एम्स निर्माण के पहले चरण में आवंटित जमीन में से 2.25 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में एम्स के भवनों का निर्माण होगा। इस पूरी परियोजना को 36 महीने पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि अत्याधुनिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के रूप में दरभंगा एम्स को विकसित किया जाना है, ताकि कम पैसे में बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सके। पटना हाईकोर्ट में जज के रूप में शशि भूषण प्रसाद सिंह और अशोक कुमार पांडे आज
4 अक्टूबर 2024 को शपथ लेंगे। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन सुबह 9:45 पर इन दोनों को पद की शपथ दिलाएंगे। शशिभूषण वर्तमान में पटना हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार विजिलेंस है और इन्होंने गोपालगंज के गोपेश्वर कॉलेज से स्नातक तथा कॉमर्स कॉलेज से LLB की डिग्री प्राप्त की है। वे 1996 में न्यायिक सेवा में आए थे। वहीं अशोक कुमार पांडे बिहार जुडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर हैं और उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से स्नातक एवं लॉ की डिग्री प्राप्त की है। राष्ट्रपति ने उन्हें संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत नियुक्त किया है। ये अधिसूचना 1 अक्टूबर 2024 को जारी की गई है। बिहार में आने वाले कुछ दिनों में सामान्य से 30-40% वर्षा अधिक होने की संभावना है। आज भी प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। आज प्रदेश के दक्षिण मध्य व पूर्वी भागों में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात की संभावना है। आज प्रदेश का अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री, कुछ जगहों पर 34-36 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि 8 अक्टूबर को बड़े स्तर पर मनाई जाएगी। इस मौके पर खगड़िया के शहर बन्नी और हाजीपुर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने इस कार्यक्रम की घोषणा की और बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोजपा कार्यकर्ता राहत व बचाव कार्य में लगे हुए हैं और पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। तिवारी ने RJD के नेता तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है, ये कहते हुए कि बिहार बाढ़ से जूझ रहा है। तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के पूर्व कप्तान अपने शांत स्वभाव के लिए मशहूर हैं, जिसके चलते उन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है। लेकिन ऐसा भी समय आया जब कैप्टन कूल गुस्से में आ गए थे। दरअसल IPL 2024 में RCB के खिलाफ एक मैच हारने के बाद धोनी काफी गुस्से में आ गए थे। ये घटना 18 मई 2024 को हुई, जब चेन्नई सुपर किंग्स यानी CSK को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए जीत की जरूरत थी, लेकिन टीम 27 रनों से हार गई। मैच के बाद धोनी बिना किसी से मिले सीधे ड्रेसिंग रूम में लौट गए थे। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने बताया कि धोनी ने गुस्से में टीवी स्क्रीन पर मुक्का मारा था। इस मैच में RCB ने 218 रन बनाकर CSK को केवल 7 रन बनाने दिया था, जिससे धोनी का गुस्सा बढ़ गया। IPL में आपके सबसे फेवरेट कप्तान कौन है, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1977 में भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में को हिंदी में संबोधित किया था। हिंदी में दिया गया ये पहला संबोधन था। आज के दिन वर्ष 1927 में सरला ग्रिवाल का जन्म हुआ था। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में भारत की दूसरी महिला अधिकारी और मध्य प्रदेश की भूतपूर्व राज्यपाल थी। आज के दिन वर्ष 1884 में 20वीं सदी के प्रमुख हिंदी साहित्यकार रामचंद्र शुक्ला का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1857 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और लेखक श्यामजी कृष्णा वर्मा का जन्म हुआ था। व्हाट्सएप फॉरवर्ड हो रहे एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि PM मोदी हर भारतीय नागरिकों को 3 महीने का फ्री रिचार्ज दे रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि दावा पूरी तरह से फर्जी है। इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचें। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए फर्जी बताया है। ध्यान रखें, इस तरह का लालच देकर साइबर अपराधी लोगों को ठगी का शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसको जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, आईफा अवार्ड्स 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन ए है जवान, ऑप्शन बी एनिमल, ऑप्शन सी है 12th फेल, ऑप्शन डी है सैम बहादुर। इसका संयुक्त एनिमल। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए 41, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 39, ऑप्शन डी 38। इसका संयुक्त 39। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को भारत की तरफ से किसने संबोधित किया था? ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमन, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस जयशंकर, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है नितिन गडकरी। इसका सही उत्तर है डॉक्टर एस जयशंकर। बिहार का राजकीय पुष्प निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए है कमल, ऑप्शन बी है गेंदा, ऑप्शन सी है गुलाब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गेंदा। बिहार का राजकीय पशु निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है बैल, ऑप्शन सी है भैंस, ऑप्शन डी है घोड़ा। इसका सही उत्तर है बैल।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है मोतीलाल कुमार, सुहाना अली खान, बिरजू कुमार, संजीव कुमार, वीरेंद्र महतो, रामनवमी मांझी, हितेश यादव, छोटू राजा, रवि मोहन वर्मा, नौसाद रजा, संजय गिरी शर्मा, शर्मा दास, सादुल्ला पालवी, अमित यादव, रोशन यादव, संजय कुमार, परशुराम कुमार, रवि शंकर, परशुराम सिंह। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके मुताबिक प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।